साल 1971 महीना अगस्त। मारिया गोमेज परायरा वो अपने किचन में काम कर रही थी और उन्होंने अपने किचन के फ्लोर में एक अजीब सा चिन्ह देखा। एक कुछ बना हुआ था वहाँ पर। वो ध्यान से देखे तो उन्हें ये नज़र आया कि एक चेहरा बना हुआ था। ये एक चीज़ बिल्कुल स्कैरी चीज़ थी उन लोगों के लिए, क्योंकि फ्लोर पर रेंडमली कुछ डाला होता तो ठीक होता, पर चेहरा कैसे बन जाएगा। तो उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे रिमूवर से रिमूव करने की कोशिश की, उसके बाद वो रिमूव हो ही नहीं रहा था। भले आप वहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, डिटर्जेंट से या कुछ, कोई भी चीज़ काम नहीं किया वहाँ पर। उसके हस्बैंड ने कुराड़ी से तोड़ दिया उस चिन्ह को, क्योंकि वो बहुत डरावना लग रहा था। और उसके बाद वो दोनों सो गए और सुबह उठ के उन दोनों ने ये देखा कि वो चेहरा फिर से दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। और उसके बाद उन्होंने इस किचन को ही सील कर दिया और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया और यहाँ पर दिखाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर फेस क्यों बन रहा है। तब बाद में उसका मिस्ट्री जब अनरेवल किया गया तो जब पता चला कि असल में उन्होंने किचन को तोड़कर गड्ढा किया, तो उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं उनकी किचन के नीचे। और सबसे ज़्यादा कंकाल का कंसंट्रेशन था वो 10 फीट अंदर था। और ऐसे कंकाल को भी पाया गया जो कि 700 साल पुराने थे। और उन्होंने वहाँ से कंकाल हटा के भर दिया वापस, फिर सब कुछ ठीक था। बट फिर से किचन में एक नहीं 5 नए फेसेस बनने लग गए। और उसके बाद उन लोगों ने किचन को फुल्ली सील कर दिया और उसके बाद से वो किचन सील्ड ही है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।